हेलो एवरीवन। सो अब आज नए वीक की शुरुआत हो गई है, मंडे है आज, और आज से ही स्कूल के बच्चों का जो हमारे विंटर सीजन का जो ड्रेस वो शुरू हो गई है। सो विंटर ड्रेस पहन के गए हैं आज वो। मैं भी नहा धो के तैयार हो गया था, मैंने जो है खाना खा लिया था सुबह। आज बनी थी बीन की सब्जी और मेरा फेवरेट दो पोच बना के दिए थे मम्मा ने अंडे। तो आज मौसम थोड़ा साफ है पहले से, आज उतना कोहरा नहीं दिख रहा, पॉल्यूशन थोड़ा सेटल हो गया लगता है और धूप निकली हुई अच्छी खासी, साफ दिख रहा है। बाकी दिन ना दूर दूर तक ऐसे धुंधा दिख रहा था, आज साफ दिख रहा है। पार्क भी नज़र आ रहा है, पीछे उसके पेड़ भी नज़र आ रहे हैं और थोड़ा ग्रीनरी है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, पेड़ वेड़ हैं, हो गया हमें मेंटेन करके रखा हुआ है। अरे उर्वशी ढोलकिया का जो बेटा है क्षेत्र ढोलकिया, उसका भी ब्लॉग चैनल है और अच्छे बनाता है वो, कॉमेडी वीडियोज़ बनाता है। और ये लाइव आ रखा था तो मैंने भी पूछा इतने अच्छे बालों का राज कैसे, बाल बड़े अच्छे हैं जब्बू एकदम, तो इसने रिस्पॉन्स दिया मेरा, पढ़ लिया इसने क्वेश्चन जो था। इतने अच्छे बालों का राज, सच बोलूं बीइंग वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि इतने अच्छे बालों का राज क्या है। मैं ईमानदारी से आप लोग को एक चीज बोलूंगा, ठीक है, ये ऊपर वाले का दुआ है कि उसने मेरे को इतने अच्छे बाल दिए। ना मैं वैक्स लगाता हूँ ना मैं जेल लगाता हूँ, सच बोलूं तो मैं तेल भी नहीं लगाया। मेरे को आज 20 साल हो गए, मैं शायद तेल की मालिश वाली चमकी वमकी नहीं करता हूँ, ये नेचुरल है, ये मेरे बाल जो है ना नेचुरल है। और ये विग नहीं है, काफी लोग बोलते हैं विग है, ये लो देख लो, देखो चमड़ी खिचड़ी मेरी, ठीक है, तो ये विग नहीं है, ये मेरे नेचुरल बाल है। और मेरे को एक तो छोटी बेटी मेरी प्रेप क्लास में है और उनके क्लास में कुछ प्ले की प्रैक्टिस हो रही है शायद, तो उसके लिए उसकी मैम ने दो लाइन याद करके जो भेजी हुई थी याद करने के लिए, सो वो तो मैंने उसको याद करवा दी थी। अब आज शायद प्रैक्टिस हो उनकी, वो लाइन उसको कब बोलनी है क्योंकि बाकी बच्चों को भी अलग अलग लाइंस मिली होंगी। सो उसने बड़ी जल्दी वाले दोनों लाइनें याद कर ली। सो कुछ सुपर हीरो के ऊपर था कि माई फेवरेट सुपर हीरो इज़ आयरन मैन और हु इज़ योर फेवरेट सुपर हीरो, और दूसरी लाइन कुछ थी कि सोल्जर्स के ऊपर था कि वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स और वी सल्यूट देम। तो अगर कुछ ऐसे कुछ स्कूल में कंपटीशन आते हैं या फिर कुछ ऐसे प्लेज होते हैं या कुछ हाउस एक्टिविटी होती है, सो मैं तो इंकरेज करता हूँ बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, और अच्छा है उनको कुछ सीखने के लिए मिलता है और टाइम पास भी हो जाता है उनका। घर में भी कुछ ले आते हैं वो कि साथ में हम उनको सिखाने में मदद कर देते हैं, सो हमारा भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है उस चक्कर में। और जब से ये लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी तो पढ़ाई में हमारे को ही मदद करनी पड़ती है, और उससे पहले भी हम काफ़ी उनकी मदद करते ही थे। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में इतनी ज़्यादा फीस जा रही है तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो रहना चाहिए, जैसे हमारे टाइम पे होता था, फीस भी बहुत मिनिमल थी और पेरेंट्स को हमारे को पढ़ाना भी नहीं पड़ता था, हम खुद ही कर सब कुछ कर लेते थे। पर आज का टाइम बदल गया है, व्हाट्सएप एक तो हो गया, लास्ट मोमेंट में वो एक्टिविटी भेज देते कि यार बच्चों को ये चाहिए स्कूल में, ये भेज देना या फिर ये पढ़ा देना उनको, ये उनकी प्रैक्टिस करा के भेजना। तो पहले ही अगर हम ही इतना कुछ इन्वॉल्व रहेंगे पढ़ाई में भी, सो टीचर्स क्या करेंगे भाई। और पढ़ाने के मामले में मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, या मेरे को आदत भी नहीं है पढ़ाने की। सो इनके दादाजी या फिर उनकी मम्मी पढ़ाती है उनको, उन्होंने पहले पास में ये सब प्रैक्टिस की भी हुई है पढ़ाने की, तो उनके लिए इजी है। जैसे मेरी बड़ी दीदी है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती है ज़्यादातर, सो ये डिपार्टमेंट इनका है दादाजी और इनकी मम्मी का, मेरा डिपार्टमेंट है फीस भरने का। और बाकी टाइम में से अगर कुछ वो पूछने में आते हैं जो टफ चीज़ें होती हैं जो मम्मी वगैरह ये सब नहीं बता पाती, कई बारी मेरे पास आती है तो मैं हूँ गूगल मास्टर, सो कई बारी मैं गूगल से सर्च करता हूँ, कई बारी अगर मुझे पता होती है चीज़ें, सो ग्रामर वगैरह ये जो है ये ओवर द टाइम आप या तो याद रखते हो या इतना कुछ अपने इन्वॉल्व हो जाता है लाइफ में कि आप नेटिक्रिटी याद नहीं रखते, पर एटलीस्ट उसको करेक्ट यूज़ कैसे करना है वो आपको याद रहता है। पर अगर आपको थियोरेटिकली बताना हो कि इसको एग्जैक्टली कहेंगे क्या या फिर इसका यूसेज क्या है, तो उसके लिए कई बार बुक रेफ़र करनी पड़ती है या फिर गूगल देखना पड़ता है। सो उस मामले में मैं गूगल देखता हूँ और बच्चों की हेल्प कर देता हूँ। और चाय पीने का टाइम आ गया दूसरा, और मैं आ गया पापा के रूम में क्योंकि पापा के रूम में मिल जाते हैं मेरे को बिस्किट, डाइजेस्टर बिस्किट भरे हुए डब्बे में। राजा श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश का मैच जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पबजी कौन कौन खेलता है भाई, पर पबजी तो नहीं, अब इसको BGMI बुलाते हैं, मैं खेल लेता हूँ कभी कभी एक दो गेम, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता खेलने में। और जब कोविड चल रहा था ना तो उस टाइम पे मैंने ये डॉक्टर मॉपिन का पल्स ऑक्सीमीटर लिया था,
SPO2 मॉनिटर करता है ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है, देखते हैं कितना बताते हैं। इस टाइम पोल्यूशन लेवल तो वैसे भी हाई हो रखा है ना, अभी AQI लेवल जो हाई चल रहे हैं NCR में, और उसको फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। 93 पे स्टार्ट हुआ ये, जी पे हॉस्पिटल जो डॉक्टर था ना लास्ट टाइम, जब मेरे को भी कोविड पॉजिटिव आया था 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि 92 से जैसे ही नीचे आएगा ना सो एडमिट हो जाना, जबकि कुछ भी नहीं था। एक तो फैट इतना ना, तो मेरी सांस तो वैसे भी फूलती है, तो मेरे लिए नॉर्मल है, पर नॉर्मली मेरा 96 97 98 रहता ही है फिलहाल, विच इज़ गुड। ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल तो। मैंने इसकी बैटरी भी चेंज करी थी लास्ट टाइम। और आजकल तो राहुल गांधी छाए हुए सब जगह, और उनका अलग ही स्टाइल है, आम आदमी से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, किसानों के पास जाना, मजदूरों के पास जाना, मोटर रिपेयर करने वालों के पास जाना, और दिल्ली के मतलब फेमस मार्केट्स हैं उधर घूम रहे हैं। अभी जो है वो केदारनाथ पहुँचे हुए 3 दिन की यात्रा पर, और निकल से भंडारा वगैरह भी करेंगे। कल तो चाय पिला रहे थे सबको जो वहाँ पे शरणार्थी आए हुए थे। अच्छा है, सही चल रहा है, पर इसके में क्या है कि ना ये अब BJP जो है उनकी जो मीडिया टीम है ना वो फेक न्यूज़ चलाना शुरू कर देती है। अभी एक और वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें राहुल गांधी जा रहा है और पीछे से लोग मोदी चला रहे हैं। एक्चुअली मैं क्या था वहाँ पे राहुल चला रहे थे, और राहुल जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, ये सब डायलॉग चल रहे थे। पर अमित मालवीय जो उनकी मीडिया का हेड है BJP का, वो फेमस है इन चीज़ों में, मतलब किसी भी वीडियो को माफ करके या फिर उसमें साउंड बाइट्स जो है कुछ और चला के BJP को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। खैर उसका भी काम भी वही है, बाकी लोग समझदार हैं, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है वो उनकी पर्सनल राय है, रुचि है और इंटरेस्ट है, और देश का जिसमें भला होता हो लोग उसी का साथ देंगे। बाकी ऐसे जो हैं गलत प्रचार करके लोग अगर वोट जीत जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, और इंटेंशन के गलत हैं अल्टीमेटली तो मतलब देश की सेवा करनी है ना। अब इलेक्शन जीतने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, पर अल्टीमेट गोल होता है देश की सेवा करना। अगर वो सेवा करने वाले लोग आगे आते हैं तब कोई नुकसान नहीं है इतना, पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए हर चीज़। कॉन्फिडेंटली BJP या फिर कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनको अपने बलबूते पे इलेक्शंस लड़ने चाहिए, राय दल वो फेक न्यूज़ चलाएं और दूसरे की झूठी झूठी बातें फैलाएं, अननेसेसरी डिबेट्स में पड़े हैं, ये सब जो है वो किसी का फ़ायदा नहीं है इसमें। और बाकी जो एलवेश का है वो उसको समझ नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल, गिरफ्तारी तो शायद नहीं हुई है पर FIR तो दर्ज है नोएडा में, और शायद सबूत इकट्ठे कर रहे हैं वो अभी, और कुछ टाइम में पता चल जाएगा ड्राइवर अरेस्ट होगा नहीं होगा। मेरे ख्याल से ऑनलाइन तो अभी भी अपने वो ब्लॉग्स डाल रहे हैं, और उसने बोला भी था कि मैं जो है मेरे अगेंस्ट जिसने भी मेरा ये नाम उछाला है उसके मैं डिफामेशन केस डालूंगा। सो मेनका गांधी जो है शायद उनके अगेंस्ट पे वो केस करे, अभी तो बोल रहा है, देखते हैं अभी क्या निकलता है आउटकम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी बच्चों की आज मंडे से तो विंटर ड्रेस उन्होंने स्कूल ने शुरू करवा दी, पर इतनी सर्दी है नहीं। अब छोटी बेटी बेचारी ऊपर से वो पुलोवर पहन के गई हुई थी जो कि स्कूल में शायद उसने फिर उतार दिया, अंदर टी शर्ट थी जो स्कूल की टी शर्ट होती है, पर मेरे ख्याल से भी इतनी ठंड है नहीं तो उनको जो है टाइम तो उन्होंने आधा घंटा आगे कर दिया, तब तक तो अच्छी धूप निकल आती है वैसे, पर उनको जो है विंटर सीजन जो है मेरे ख्याल से उसकी ड्रेस को 2-3 हफ्ते आगे टाल देना चाहिए था। अब इतनी गर्मी, वो गर्म ड्रेस होती हैं तो बच्चे क्या बार बार उतारेंगे उसको, और जब सर्दी आई नहीं रखी ऐसी चेंज करना चाहिए उनको विंटर ड्रेस चेंज का टाइम। अरे बड़े बड़े जोश जोश में मैंने ट्रेडमिल तो लिया था, पर इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और इसको मैं कोई यूटिलाइज नहीं कर पाया अभी तक। अरे यार अभी जो है अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था, वो लकीली मैंने उठा लिया, और छोटी जो बेटी है ना उसके बस का ड्राइवर कॉल कर रहा था, जो वापस आने का टाइम था ना वो सेम था। पापा को लगा कि दिन में भी जो है आधा घंटा आगे एक्सटेंड हो गया होगा, तो आधे घंटे बाद जाने वाले थे वो,
सो थोड़ा गाड़ी जो है बस वाले को वेट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से गाड़ी में गया, कार में, और इसको महाशय जी डिफेंसेस को अगर नहीं तो जो बस जो है वो वापस स्कूल में ले जाती है बच्चों को। सो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लकीली जो है वो ड्राइवर ने कॉल कर लिया, वरना फिर वो बड़ी बेटी एक घंटे बाद आती है, या तो मैं इन्फॉर्म कर देता कि इसको उस बस में ले आओ और दोनों को फिर एक साथ पिक कर लेते। चलो ऑल इज़ वेल फ्रेंड इज़ वेल। और हम उस गए लिफ्ट में अब, और कार में ना कुछ सामान पड़ा हुआ था, पिछले हफ्ते हम कैंटीन गए थे आर्मी कैंटीन CSD, वहाँ से सामान खरीदा था, तो वो गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, तो कुछ सामान तो मैं परसों ले आया था, और अब मेरे को लगा थोड़ा सामान ले आता हूँ। एक तो फिनाइल पड़ा हुआ था, फिनाइल घर पर ख़त्म हो गया था, सो आज जो है मेड ने जो है नॉर्मल वैसे ही पोछा लगा दिया। चीज़ें कई बार जब ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद घर वाले इन्फॉर्म करते हैं, उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता कि यार चीज़ पड़ी हुई थी और यूटिलाइज नहीं हो पाई। अब गाड़ी में कौन जाता भागने एकदम से लेने के लिए, थोड़े बड़े हो जाए ना तो हेल्प करने लग जाते हैं। मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ सामान उठा के ला रहा है, अपना बॉर्न बीटा और ये फिनाइल का डब्बा छोटा। चलो बेल बजाओ। रानिया तो आ गई स्कूल से, और ये इसकी विंटर ड्रेस चालू हो गई है, और ये कुछ लेके आई है अपने प्रोजेक्ट, इसमें भी कुछ पाउडर मिलाया था तो ये कलर चेंज हो गया। क्या चीज़ है ये? वन लीटर पानी तो नहीं है ये? हाँ पानी डाला, फिर वो पाउडर डाला, फिर इससे क्या होगा? ये पाउडर नहीं था, फूड कलर था। फूड? क्या फूड? फूड कलर। फूड कलर था ये? अच्छा, फिर इससे क्या होगा? इससे मुझे सन में रखना है ऐसे थोड़ी देर। सन में रखना है 3-4-5 hours। अच्छा फिर क्या होगा? फिर इसमें ना सन से वाटर वेव होता है। हाँ वो ऊपर जाएगा। हाँ फिर हाँ, तो वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये बंद है। हाँ तो उसके वाटर ड्रॉप्स हैं। वाटर ड्रॉप्स नहीं है? चलो देखते धूप में रखते हो। समझ तो नहीं आया मेरे, पर देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या था। मेरे ख्याल से वो जो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होगा तो वो पानी की ड्रॉपलेट्स जो ऊपर जाएंगी बनेंगी, अगर क्योंकि वो बंद है तो शायद वो कुछ ऑरेंज कलर का पानी शायद ऊपर भी दिखेगा ड्रॉपलेट। सो आने अभी पूछने आई थी कलेक्टिव नाउन फॉर माउंटेंस क्या होता है, क्या होता है? सही जवाब है रेंज। और दूसरा पूछा उसने कलेक्टिव नाउन ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियाँ क्या होता है, सो कलेक्टिव नाउन ऑफ स्टेयर्स होता है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, याद रखना। सो फाइनली एकदम से जोश आ गया मेरे को, और मैं सोचा ट्रेडमिल थोड़ा यूज़ कर ही लूँ। सो थोड़ी बहुत मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी और उसके बाद ट्रेडमिल पे चढ़ गया, 5 मिनट का मैंने वॉक किया। वैसे टाइम लैप्स वीडियो बना रखा था मैंने वाला, सो सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है, मैंने स्लो डाउन करने की कोशिश करी पर उतना स्लो दिख नहीं रहा था वो। सो टाइम लैप्स में ही रिकॉर्डिंग है चल रही है जो, और 5 मिनट ही चला मैं, मेरे से तो थक गया मैं उतने। तो डिनर टाइम है अब, तो मसूर की दाल बनी है विद चपाती और खीरे हैं साइड में खाने के लिए। 2-3 बातें थी, बांग्लादेश ने आज श्रीलंका को हरा दिया है, तो उसमें एक वियर्ड इंसिडेंट आज हुआ है। एंजेलोस मैथ्यूज जो है वो एक विकेट डाउन हो गई थी, उसको आना था उसके बाद, पर उसने जो है थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि उसका हेलमेट का जो स्ट्रैप टूट गया था और शायद वो चेंज कर रहा था उसको। और एज़ पर रूल जब कोई विकेट डाउन होती है तो नेक्स्ट प्लेयर को आने में 3 मिनट का टाइम मैक्सिमम मिलता है, और वो शायद 3 मिनट से ज़्यादा टाइम ले गया। और जब वो पहुंचा क्रीज पे तो उससे पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स ने आउट होने की अपील कर दी थी और अंपायर को वो आउट देना पड़ा। सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी का आउट देने का, बेचारा खेल भी नहीं पाया। हो सकता है मैच का अलग ही कुछ वो होता आउटकम अगर वो खेलता। बाकी एक और जो मैंने डिस्कस करना था, आजकल जो है ना ऑनलाइन, पहले भी था, जो फेसेस मॉर्फ कर देते हैं, ये आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ और बड़ा डेंजरस भी एक तरह से। सो जो न्यूज़ में मैं देख रहा था वो रश्मिका मंदाना जो हीरोइन है उसका फेस किसी यूके की कोई लड़की है, वो लिफ्ट में घुस रही है और उसमें उसका फेस एकदम से मॉर्फ किया हुआ है, तो ऐसा लगेगा जैसे वही है एक्चुअली में। और कल मैंने एक चीज़ देखा था जहाँ पे सारा तेंदुलकर जो है और इंडिया का एक शायद शुभमन गिल है, उनका कुछ बोल रहे हैं आपस में, आजकल शायद डेट कर रहे हैं। सो उसमें एक फ़ोटो दिखाई थी, सो फोटो में एक्चुअल जो रियल फ़ोटो है उसमें वो अपने भाई
के साथ खड़ी है ऐसे हाथ गले में रख के, पर उसमें फेस चेंज कर दिया है और वो शुभमन गिल का डाल दिया। अब पता नहीं वो डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब वही होता ना कि आजकल इंटरनेट पे जो है वो फेक न्यूज़ बहुत चलती हैं। सो अल्टीमेटली जब तक कि कोई रिलायबल सोर्स ना हो ऐसी न्यूज़ का, सो ऐसी न्यूज़ पे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि अल्पेश यादव का चल रहा अभी। जब तक कि रिलेवेंट और जो है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिन वेबसाइट्स पे या न्यूज़ चैनल्स पे कि ये जेन्युइन न्यूज़ दिखाते हैं या फिर ये जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ से हम कोई भी न्यूज़ को अगर मैं हम पढ़ते हैं तो उसकी हम समझ सकते हैं कि ये सही न्यूज़ होगी, तो उस पर उसको ही मानना चाहिए, अदरवाइज़ इग्नोर करना चाहिए जब तक कि आपको एक जेन्युइन सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो ये काफ़ी कुछ चला हुआ है। अल्पेश यादव जो मैंने नाम दिया वो भी उसका भी पता नहीं है, शायद अभी तक तो उसको पकड़ा नहीं है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ जो न्यूज़ एंकर्स हैं या फिर ऑनलाइन जो अपने चैनल्स बनाते हैं वो कई लोग जो हैं उसके अगेंस्ट में पहले से ही बोलना शुरू हो गए जैसे कि वो सही में कल्प्रेट है। सो ये सब जो है जब तक कि साबित नहीं हो जाता तब तक किसी का नाम डिफेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हर तरह के लोग मिलेंगे ऑनलाइन, अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं, सो सावधान रहना चाहिए, इंटरनेट को सेफली यूज़ करना चाहिए। और बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं, मेरी कैजुअल ब्लॉगिंग चल रही है, मैं डेली तो नहीं कर पाता ब्लॉगिंग, सो जब मेरा मन करता है कि हाँ शूट करने का कि हाँ आज मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाया हूँ तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। जिस दिन मैं कम शूट कर पाता हूँ रिकॉर्ड कर पाता हूँ उस दिन मैं वो वीडियो नहीं डालता फिर, अदरवाइज़ मैं रिकॉर्ड तो करता ही रहता हूँ बीच बीच में जो भी हमारे लाइफ में कुछ चल रहा होता है। पर एज अ ब्लॉग स्पेशली बनाना उस जोन में या उस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं अभी तक नहीं आया हूँ, पर धीरे धीरे आऊँगा, देखते हैं कैसा चलता है ये चीज़। बाकी आप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैंने देखा है कि सब्सक्राइब करने वाले लोग कम रहते हैं और वॉच करने वाले ज़्यादा रहते हैं, तो अगर आप आ गए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जैसे सब कहते हैं बेल आइकन भी दबा देना अगर मेरा कोई वीडियो नया आएगा तो आपको दिख जाएगा, अगर अच्छा लगेगा तो देख लेना, नहीं लगेगा तो भी सब्सक्राइब करके तो रखना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।